भीगी भीगी गिटार की अजब कहानी। होटल के लेक के किनारे वॉक पे एक स्कूल सेलिंग बोट दिखा, पर वो बोट नहीं, कुछ और ही था। जरा सोचो क्या हो सकता है। थ्री गेसेस, थिंक। वो था हमारे अपने युवराज देव का वैल्यूबल आइटम गिटार पानी में। यूवी, स्टॉप इट। इट्स ट्रू, दिस साइको चिक, इसने मेरा गिटार पानी में फेंक दिया। और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि सिवाय मेरे और इसके और किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था। अब कहां गई ये? डैम इट, आई एम नॉट गोना लीव अ मैन। अरे क्या हुआ? सीएस, सांस रुक जाती है। ये सीएस क्या होता है? Congenital episodic asthmatic syndrome, asthma. Okay. You stay calm. तुम एक काम करो, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो और सांस लेके होल्ड करो, सांस लेके होल्ड करो। अब धीरे धीरे छोड़ो। हाँ, are you feeling better now? आप प्लीज मॉम को फोन करके बोल दीजिए कि वो मुझे यहाँ से ले जाइए। पर अब तो तुम ठीक हो ना? डा, एपिसोड का मतलब नहीं समझते आप क्या? पर तुम्हारी माँ ने फॉर्म में ऐसा कुछ भरा तो नहीं था? तो मैं मर जाऊँ क्या? भरा नहीं था का मतलब क्या है? हो रहा है ना मुझे एस्मा। मॉम लोगों को ये नहीं बताना चाहती कि मुझे इतना बैड मेडिकल कंडीशन है, पर मुझे हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। ओके, तुम चलो मेरे साथ, चलो आओ। और फिर समर कैंप खत्म हो गया और जम्बू ने फाइनली सोनिया डे को फोन किया और वो खुद आकर आशी को लेके गई। पर डोंट वरी, आशी अब बिल्कुल ठीक है, वो तो ऐसी कहानियां गढ़ती रहती है, कोई भी लपेटे में आ जाए। उसका ट्रिप तो कुछ और ही था, यूवी से डर गई थी वो। तुम उसे लाइक करती हो ना? मैं भी, पता है शी स्कूल फन और हिम्मत बहुत है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि उसके जैसे बनूं, कूल, इंटेलिजेंट, ब्रेव, फिर हम सब फ्रेंड्स होते। लेकिन आशी और मरिया प्रिया मुझे अपने पास आने ही नहीं देते। मैं यहाँ कैसे रहूँ शीतल? सोनल मासी ने क्या कुछ नहीं किया मुझे मौर्या भेजने के लिए। दिल से चाहती हैं कि मैं वहाँ पढ़ूँ। और फिर कल से क्लासेस भी तो शुरू हो रही है ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। बाकी के हॉलीडेज बहुत अच्छे थे, पता है मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल जगह नहीं देखी। इट वॉज अमेजिंग। तू भी चला मेरे साथ, खूब मजा करेंगे। इट इज रियली ब्यूटीफुल, पता है? पहले प्री रिलैक्स करना सीखो, अभी जो टाइम मिले वो घर एंजॉय कर लो, फिर स्कूल शुरू और फिर तुम होम सिक हो जाओगी। टिया को चांस मिले ना तो टिया स्कूल वापस कभी ना जाए। यू नो व्हाट प्री, पापास डन सच अ कूल थिंग, उन्होंने ऑफिस घर में शिफ्ट कर लिया। It's so cool, babes. I just love him. Come on, Tia. Time to leave. Listen, I have to call you back. मुझे जाना है. Bye, babes. Sunshine for you. Yes, Papa. Papa, मुझे स्कूल वापस नहीं जाना है. Please, मुझे यही रहने दीजिए. I love this house. Tia, no more discussion on this topic. तीन दिन में तुमने सारी mates को पागल कर मारा है. No one wants to deal with you. वापस तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा. Okay? ठीक है. तो टिया भी आपको ये बता दे कि मैंने कुक को हटा दिया है। What? मगर क्यों? Please पापा, सारे खाने में इतना तेल था, वो खाना खाकर तो आप बिल्कुल लाला टाइप लगेंगे, तो उन वो निकल आएगी आपकी। मगर मुझे तो पसंद था उसका खाना। Don't worry, मैंने दूसरे कुक को हायर कर लिया है, वो न्यूट्रिशन और डाइट दोनों समझती है, सैलेड और सूप टाइप्स के मेनू रखेंगे। और वैसे भी आप टिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टिया आ जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। खूब, मैं अपनी पैकिंग खत्म कर लूँ। पापा, ये तो मम्मा का था ना? लगता तो ऐसा ही है। लगता है माने? इनिशियल्स देखिए पापा, टी ए, तारा आहूजा, बिल्कुल मेरे जैसे। टी ए,
पापा मैं ये रख लूं? रख लूं। फोटो भी चाहिए जो उस फ्रेम में कभी थी। इसमें कोई फोटो नहीं थी टिया। तो कोई और फोटो? मैंने कहा ना इसमें कोई फोटो नहीं थी। ये क्या फोटो फोटो लगा रखी है तुमने? आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? देखो टिया, तुम्हारी मामा का गुजरे हुए 14 साल हो गए, तुम्हें अभी उन्हें भूल जाना चाहिए। उनकी याद में तुम अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। ओके, आपसे मामा के बारे में बात करना तो इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि सच पूछो तो मैं भी उनके बारे में भूल चुका हूँ। नॉट हैपनिंग पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो यह है कि आप अभी भी मामा को उतना ही मिस करते हैं। नहीं, मैं नहीं मिस करता उन्हें, क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड की सबसे अच्छी डॉटर है। पापा, टिया आओ जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब टिया आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहने देगी, वो आपके लिए सूटेबल मैच फाइंड करेगी। व्हाट? तुम मेरे लिए मैच ढूंढो? तुम तो मेरे सारे दोस्तों को घर से भगा देती हो। प्लीज पापा, आपकी चॉइस वैसे भी कितनी नॉन हैपनिंग है। कुक तक टिया को हायर करना पड़ता है, तो आपको लाइफ पार्टनर चुनने का फ्रीडम कैसे मिल सकता है? और मेरी पैकिंग हो गई? जी। मैं आज क्या है ये सब? कुछ नहीं पापा, कुछ छोटी मोटी चीजें। टिया, डोंट टेल मी मोर क्लोथ्स। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना बंद कर दिया है क्या? पापा, फ्राइडेज कैजुअल्स, आप नहीं समझोगे, लेट इट गो। टिया, तुम्हारे इतने सारे कपड़े ऑलरेडी स्कूल में पड़े हुए हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? पापा, फैशन इज इंपॉर्टेंट, यू सी, स्टाइल, टू बी विद इट। अब टिया की कोई रेपुटेशन है? एनीवे, मेरी एनुअल गराज सेल का टाइम भी आ गया है, अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना टू ड्रेस वेल। और मेरे पुराने स्टाइल तो सबके लिए ऑलमोस्ट न्यू सीजन के फैशंस हैं। ओह यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, तुम्हारी गराज सेल तो एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। इट्स अ मेला या यू डोंट नो। पापा मैं चलती हूँ। ठहरो, सरप्राइज, मैंने कहा था ना हमारे रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएंगे। मैं चल रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप करना है। पापा, यू आर सो कूल, यू आर अ डूड, आई जस्ट लव यू एंड आई लव माय डियर डॉटर। सोनिया, ड्राइवर मेरे लिए जरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। मॉम, यू सो एम्बैरेसिंग, वन वुमन सर्कस लग रही हैं आप। आई एम अ स्टार अन्वेषा, मेरी कोई इमेज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। यू नो, अब हाउस कोट पहनकर तो नहीं आ सकती थी। और जो मेकअप लगाया हुआ है किलो के हिसाब से। मॉम क्या कर रही हो? तुम्हारी सेहत अंदर जा रही। आपने पी रखी है क्या? ममम आशी, मॉम आशी, मेरा नाम ममम नहीं है और आप मेरे साथ अंदर नहीं जा सकती। इट्स नॉट हैपनिंग। अगले 10 साल तक लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओके, मैं यही रहती, लेकिन पहले तो मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही। नथिंग, मुझे समर कैंप में रहना ही नहीं था, बहुत बोरिंग था। इट वाज सो डॉ स्वीट हार्ट, तुम्हारे प्रिंसिपल के सामने मैंने तुम्हारी पोल नहीं खोली, तुम्हारी आसमा की कहानी को भी बैकअप किया। तो तुम मुझे बता सकती हो ये बात हम दोनों के बीच रही, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं मॉम, आपको बहुत मिस कर रही थी। मेरी इंटेलिजेंस को इतना इंसल्ट मत करो आशी। आपसे ये बिलीव नहीं होता कि मैं आपको एक्चुअली मिस कर रही थी। तुम किसी चीज से भाग रही थी, क्या था? इतना मैं जानती हूँ कि तुम भागने वालों में से नहीं, कुछ सीरियस था। किसी ने कुछ कहा तुमसे? टाटा धमकाया? ऐसा कुछ नहीं था मॉम, और अगर ऐसा कुछ होता भी ना, आई कैन हैंडल इट ऑन माई ओन। मिसेस रे, सोनिया रे। हेलो मैम। अब यहाँ तो मुझे छोड़ दो। मैम, जस्ट फ्यू क्वेश्चंस प्लीज। ओके, कुछ पिक्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बाय करना है। ऑलराइट मैडम, कैन यू मूव टुवर्ड्स योर कार, वी कैन हैव अ गुड पोज देयर।
Oh, sure, why not? But you'll have to hurry up, okay? I have no time. Okay, ma'am, come please. Dun, 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 da, da, da. Come on, dear. I know. What are you? Lipstick. ओह गॉड ठीक है लगता है मुझे किसी कॉस्मेटिक कंपनी की डीलरशिप लेनी हो प्लीज पापा टिया के आने का सब स्कूल में इंतजार करते हैं दे एक्सपेक्ट दिस उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकती ना और वैसे भी टिया आओ जाओ ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है आई नो अब चले वहाँ क्या हो रहा है कोई शूटिंग हो रही है ओह नो उस ट्रैश कैन की माँ पापा आपको जंबो से बात करनी पड़ेगी ये नौटंकी वाले हमारे स्कूल में एंट्री कैसे ले सकते हैं? I'll see this. Thank you. This is okay? Excuse me. ये स्कूल है, सर्कस नहीं. और वैसे भी गवर्नमेंट ने सर्कस में एनिमल्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. So you're free to go. और आप अपना ट्रक यहाँ से हटाएंगे प्लीज हमें हमारी कार पैक करनी है. सुनो चॉकलेट. स्कूल के स्टूडेंट्स अगर तुम्हारी जैसी बातें करते हैं तो फिर स्कूल की रेपुटेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है और हाँ मेरा शॉफर आकर मेरी कार नॉट ट्रक डालिंग कार हटा देगा मिसेस रे हाय द फ्लावर्स वर लवली थैंक यू वेरी मच ये आपकी है मेरी बेटी है टिया आप इन्हें जानते हैं मैं अन्वेषा की मॉम वही मैंने कहा था ना पापा Hey guys, no pictures I said, okay? Mrs. Ray, आपको अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में लेनी होगी वो क्या है कि पूरा ड्राइववे ब्लॉक हो रहा है और ये पार्किंग लॉट तो है नहीं वैसे मेरी ड्राइविंग वर्ल्ड की बेस्ट तो नहीं है लेकिन अगर आप लोग रुक नहीं सकते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ I'll try. Thank you. Excuse me. ओके क्या था वार्म अप इंजन हैंड ब्रेक रिलीज इग्निशन ऑन वाओ इस सुनहरी जेल में तुम्हारा स्वागत है वेलकम बैक फाइनली मुझे इसी टाइम का इंतजार था तुम और मैं आमने सामने रियली मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और रियली मुझे तो ऐसा नहीं लगता यू नो व्हाट पहले मैंने सोचा कि तुम एक स्लीज बॉल हो पर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम एक रोंदू हो और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ क्राई बेबीज यू शुड बी स्केर्ड अन्वेषा तुम्हें बहुत डर लगना चाहिए क्योंकि अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है कि तुम स्कूल से बाहर हो तुम्हारी मर्जी हो या ना हो मैं यही रहूंगी इसी स्कूल में तुम्हारी मर्जी हो या ना हो अपने आप को बहुत बड़ी तहलका की जर्नलिस्ट समझती हो एक साल भी नहीं काट पाओगी यहाँ पे इडियट अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना होता तो मैं ये स्टूपिड स्टोरीज नहीं लिखती और वो तुम्हारा स्टूपिड गिटार मेरे जूतों की भी वैल्यू तुमसे ज्यादा है और वैसे भी तुम्हारे बारे में मेरे पास काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स है बताने के लिए अगर तुमने मुझे इरिटेट करना बंद नहीं किया तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ यू आर अ लूनेटिक रवि डैड मैं यहाँ पे हूँ डैड Remake, 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 remake.